हेलो नमस्कार। अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि DNHE करने के बाद हमारा करियर कैसा होगा, क्या इस बैंकिंग, SSC, रेलवे, UPSC एंड स्टेट PCS के ज़माने में क्या एक न्यूट्रिशन का करियर अच्छा माना जाएगा? क्या हमें समाज या फिर हम अर्निंग के लायक हो पाएंगे? समाज हमको तवज्जो देगी? या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अगर हम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा कंपेयर टू अगर हम न्यूट्रिशन का कोर्स करते हैं या फिर इग्नू के DNHE प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं, क्योंकि इनकी जो है ग्रोथ कम है। अगर इस तरह के माइंड में आपके सवाल आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और हम लोग इस वीडियो में देखेंगे हर एक आपके हर एक क्वेरीज का इस वीडियो के माध्यम से हम जवाब देंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि न्यूट्रिशन अभी के समय में एक उभरता करियर है। क्लियर है, ये अभी के समय में वो इमर्जिंग फील्ड है, एक इमर्जिंग करियर है। जब से आयुष मिनिस्ट्री का गठन हुआ है और योग और नेचुरोपैथी जो है वो पैर अपना पसार रही है, भारत ही नहीं बल्कि भारत से बाहर विदेशों में भी नेचुरोपैथी एंड योगा थेरेपी को जो है अब एक एस्टाब्लिश्ड पैथी के रूप में स्वीकार किया जा रहा है, इसी में अब आ रहा है न्यूट्रिशन, पोषण विशेषज्ञ की मांग लगातार बढ़ रही है। आप आए दिन पेपर में, चैनलों पे आपने देखा होगा, यूट्यूब पर भी आपने देखे होंगे, बहुत सारे जो योगा एक्सपर्ट हैं या फिर और भी नेचुरोपैथी एक्सपर्ट हैं वो अपनी अपनी राय जो है रख रहे हैं। उसी प्रकार से पोषण विशेषज्ञ जो है हमारे देश में अभी इमर्जिंग कैरियर है, निश्चित तौर पर युवाओं के लिए इसमें अपार संभावनाएं हैं। अभी कुछ ही दिन पहले आपने देखा होगा कि हमारे बाबा रामदेव महोदय ने दिल्ली में जो है प्राकृतिक चिकित्सालय का स्थापना की है, जहाँ प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ योगा के साथ साथ वहाँ पे पोषण विशेषज्ञ की जान के से भी आपको जानकारियाँ दी जाएगी, पोषण के विशेषज्ञ भी वहाँ पर होंगे। एक्चुअली में हम सब ये पढ़े हैं अपने बेसिक जान स्कूलों में कि जो पोषण जो है हमारे शरीर के सही के शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक हर विकास के लिए एक सही मापदंड पे हमारे शरीर को पोषण चाहिए। उस पोषण में किसी प्रकार की दिक्कतें आती हैं तो हम हमारा शरीर जो है रिस्पॉन्स देता है और हम जो है फॉल इनटू एनी डिजीज के हम लोग शिकार होते हैं। अगर एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास हम जाते हैं तो ये कोई भी डिजीज को वो रोकथाम कर देते हैं, अपने भोजन के माध्यम से आपके डाइट को वो चेक करते हैं, डाइट को सुधारते हैं, और अन्य जो योगा है उनसे भी आप सलाह देते हैं ताकि आपकी जो लाइफ है वो पटरी पर चल जाती है और आप स्वस्थ हो जाते हैं। तो एक न्यूट्रिशन का अभी के समय में बहुत ज़्यादा करियर ग्रोथ है। आए दिन पेपर में भी इस तरह की बातें आती है, हर दिन आप देखे होंगे कि हर एक, चाहे वो किसी भी पेपर का हो, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जो भी आपके स्टेट में जो भी चल रहा है उसमें एक कॉलम रहता है पोषण विशेषज्ञ एक्सपर्ट डाइटिशियन एक्सपर्ट राय जो है, फिर न्यूट्रिशनिस्ट का राय, तो वो सब भी आप पढ़ते होंगे। मैगजीन में भी जो है गृह शोभा मैगजीन हो या सहेली हो या अन्य कोई जो वुमेन बेस्ड मैगजीन हो, चाइल्ड बेस्ड मैगजीन हो, डॉक्टर बेस्ड मैगजीन हो, हर जगह जो है डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट अपने राय व्यक्त करते हैं अमुक अमुक डिजीज के बारे में। तो निसंदेह जो है न्यूट्रिशन का करियर जो है अभी भारतवर्ष में वो चमकता हुआ करियर है और उभरता हुआ करियर है। आप अगर इसमें आते हैं, थोड़ा सा आपको आप मेहनत करते हैं तो निसंदेह आप समाज में, देश में, राज्य में, अपने घर में भी प्रतिष्ठा पाएंगे और अर्निंग भी आपकी इसमें अच्छी खासी होगी। हम लोग अभी डॉक्टर विश्व रूप चौधरी के महोदय भी इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो नेचुरोपैथी, डाइटिशियन, न्यूट्रिशन के अलग अलग आयाम को आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं। तो हमने देखा कि अलग अलग जो भी माननीय महानुभाव जो है नेचुरोपैथी, योगा थेरेपी, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन के कोर्स को लेकर आगे आ रहे हैं, उन सब जो है हमारे देश के हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूती प्रदान करना चाह रहे हैं, क्योंकि एलोपैथी हो या और भी चीज़ें हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं लोगों को और परेशानियाँ भी बहुत ज़्यादा होती है। तो लेकिन नेचुरोपैथी या फिर न्यूट्रिशनिस्ट का कहा जाए, न्यूट्रिशनिस्ट का हम ज़्यादा इसमें करेंगे कि न्यूट्रिशनिस्ट में कोई भी चीज़ों का योगदान नहीं है। आप अर्ली स्टेज में जाते हैं, अगर आप रेगुलर लेवल पे वहाँ पे जाते रहेंगे तो आपकी वजन के साथ साथ आपके क्या परेशानियाँ हैं, तो भोजन से अलग अलग हमारे हमारे इस प्रकृति में हर एक वो फूड
फ्रूट्स वेजिटेबल फूड उपलब्ध है जिससे कि हर प्रकार की डिजीज को रोका जा सकता है, थामा जा सकता है, क्योर किया जा सकता है और फिर जो है हम भी इससे मुक्त भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ रहा हमारे करियर का। और बात रही कि अभी वर्तमान समय में गलाकाट प्रतियोगिता का दौर चल रहा है, बैंकिंग, SSC, रेलवे, UPSC एंड स्टेट PCS में आपका नहीं होता है, तो घबराए नहीं, न्यूट्रिशनिस्ट करियर में आप एडमिशन लें। इग्नू के डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन आपका इसमें मदद करेगी। आपका जनवरी सेशन 2022 में एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। जस्ट 15 दिन बाद हो सकता है जनवरी सेशन 2023 का एडमिशन अनाउंस हो जाए। आप इग्नू के इस प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। पढ़ेंगे कैसे? तो PR बाव क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, वहाँ पे PR बाव क्लासेस का ऐप है, उस ऐप पे अपना रजिस्टर कर लें। महज मामूली सी फीस में आप इग्नू के DNHE प्रोग्राम्स के बारे में पूरा डिटेल पढ़ पाएंगे, सुन पाएंगे और आपको लगेगा भी नहीं कि हम अपने कोर्स को कब कंप्लीट कर लिए। हमने पूरे बारीकी से एकदम, आप सिर्फ सुन लीजिएगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ सुन लीजिएगा सारे वीडियोज को। हमने हर एक टॉपिक को उठाया है, हमने सारे टॉपिक को जो आपके इग्नू के DNHE बुक्स में दिया है, हमने एक टॉपिक को उठाया, उसको इलाबोरेट किया है, डिस्क्राइब किया है। आपको नथिंग टू वरी अबाउट दिट, आप कैसे हाउ टू राइट आंसर इन योर आंसर सीट इन एग्जामिनेशन ऑफ टर्म इन एग्जामिनेशन इग्नू DNHE, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। ऐसे एलिमेंट्स हम बताएंगे आपको, ये प्रोजेक्ट बेस्ड एक्टिविटी बताएंगे, ओवरऑल इग्नू के DNHE प्रॉब्लम में हम आपकी मदद करेंगे। तो आज ही रजिस्टर करें PR क्लासेस ऐप पर और निसंदेह इग्नू के DNHE प्रॉब्लम्स के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप डाउट से मुक्त हो जाएंगे। विशेष अगर फिर भी दिक्कत होती है तो आप हमको कॉल कर सकते हैं, कॉल जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।